करें। देखिए शॉट मारने के है सारी पंक्तियाँ, देखिए। सहित सुदीज सम्यक दर्श सजे है चरित्र मोह वश पे ग्रह में न रचे जो नजर नारी को प्यार यथा काले में प्रथम नरक विन षट भू ज्योति पान भवन षट नारी आवर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी पर तम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्य स्वानालय दर्शन दारो भव्य पवित्रा दौल समझ सुन चेत सयाने काल सकामत होवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। मार्मिक प्रेरणा यहाँ दे दी है दौलत राम जी ने, और किसी और को नहीं स्वयं को संबोधन करके कहा है। यह नर भव सिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। और सम्यक की चर्चा 25 दोषों से रहित और 8 अंग से सहित बहुत संक्षिप्त पंक्तियों के माध्यम से यहाँ दौलत राम जी बतला रहे हैं, जिसमें 8 मदों की चर्चा हमने कल तक यहाँ की है, मूल छंद पढ़े हैं, उनके चित्रों के संदर्भ में चर्चा की है, थोड़ा बहुत उनका स्वरूप अन्वयार्थ और भावार्थ के माध्यम से हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 60 पर 4 लाइनों के अंदर इन्होंने 8 मत बतला दिए, और वस्तुतः 4 लाइन भी क्या कहें हम, 2.5 लाइन में, क्योंकि तीसरी लाइन भी पूरी नहीं है और चौथी में तो है ही नहीं स्वरूप। सिर्फ 2.5 लाइन में 8 मदों के त्याग की प्रेरणा दी गई। कौन कौन से 8 मद तो कह दिया इन्होंने, पितृ मद, मातुल मद, रूप मद, ज्ञान मद, धन मद, बल मद, तप मद और प्रभुता मद। ये 8 प्रकार के मद हैं जिनके त्याग की इन्होंने प्रेरणा दी। देखें जरा इनके बारे में क्या क्या बात कहना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि के नहीं होते और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के इच्छुक जीवों को इन बातों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। एक ही बात है अन्वयार्थ, जो जीव यदि पिता आदि पितृ पक्ष के स्वजन राज आदि हो तो अभिमान नहीं करता। सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, जो जीव कहने का मतलब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव पिता आदि पितृ पक्ष में, तो पिता आदि के अंतर्गत तो सारे परिवार के व्यक्ति ले लिए, अपने कुल के समस्त व्यक्ति, और राजा आदि कह करके सब पद प्रतिष्ठाओं को ले लिया। 2 जगह आदि शब्द का प्रयोग किया है, पिता आदि और राजा आदि। तो पिता आदि में पिताजी, चाचा जी, दादा जी हैं, भाई साहब, काका जी, जो भी हों सब, ये सब क्या हैं, ये पिता आदि में। और राजा आदि हों, राजा आदि हों का मतलब राजा हो, मंत्री हो, हैं कहीं कोई पद प्रतिष्ठा वाले हों, कोई कलेक्टर हो, कहीं के अध्यक्ष हों, जो भी है, ये सब राजा आदि हों तो अभिमान नहीं करता। यदि मामा आदि मातृ पक्ष के स्वजन
राजा आदि हूं तो अभिमान नहीं करता, पिताजी आदि हूं चाहे मामा जी नाना जी आदि हूं विद्या का अभिमान नहीं करता। मद में ज्ञान को लक्ष्मी का अभिमान नहीं करता, शक्ति का अभिमान नहीं करता, तप का अभिमान नहीं करता और ऐश्वर्य बड़प्पन का अभिमान नहीं करता। वह अपने आत्मा को जानता है। करे न तो निज जाने, कितने मारवे कल बात की थी इसके संदर्भ में कि कैसे इनका अभिमान नहीं करता, वो कह रहे वह अपने आत्मा को जानता है। जो इनका अभिमान नहीं करता वो अपने आत्मा को जानता है। कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं जो जान दिया अरहंतम तो जान दिया पाणम। अस्सी गाथा के अंदर जो बात की जो जान दिया अरहंतम दवत उगणत पज्जेत हिम तो जान दिया पाणम मोह खलु जादी सत्य लयम। तो किससे किसकी संगति बैठाई है कि जो जान दिया अरहंतम तो जान दिया पाणम। जो अरहंत को जानता है वो अपने आत्मा को जानता है। तो इन्होंने इसी प्रकार यहाँ कह दिया कि जो मद नहीं करता है वो अपने को जानता है। समझ में नहीं आती है वो भी ऐसी बात है। अरे अरहंतों को जानने से तो अरहंत ही जानने में आएंगे, आत्मा कैसे जानने में आ जाएगा। अरहंतों को जानने से आत्मा जानने में नहीं आता, अरहंतों को जानकर आत्मा को जानने से ही आत्मा जानने में आता है। जानना तो आत्मा को ही पड़ेगा। ठीक है, मद नहीं करो और मद नहीं करने से आत्मा जानने में आ जाए, ऐसा कैसे होगा। करे ना, ये लाइन यहाँ दे दी है, करे न सो निज जाने। आठ मदों को जो न करे वो निज जाने, कि निज कैसे जानने में आ गया। ये बात समझ में नहीं आ रही कि निज जानने के लिए पर से दृष्टि हटानी पड़ेगी। निज जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, निज को क्यों नहीं जान पाता है। निज को इसलिए नहीं जान पाता क्योंकि इसकी दृष्टि पर पे रहती है। अच्छा, पर पे दृष्टि क्यों रहती है, क्योंकि पर इसको आकर्षित करने वाला लगता है, पर इसको भला लगता है, पर इस पर में इसको अच्छा लगता है। अब यहाँ मद त्याग के माध्यम से पर पदार्थों के प्रति आकर्षण को छुड़ा दिया। धन के प्रति जो आकर्षण था, पद प्रतिष्ठा के प्रति जो आकर्षण था, रूप बल आदि के प्रति जो हमारे मन में चाह थी, अरे तो बहुत अच्छा है, तो यहाँ क्षणिकता बतला करके बतला दिए ये क्या किस चीज का अभिमान करता है तू। कहाँ गए चक्री जी ने जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा है, अरे संपत्ति सदरी देखो तो सही आप कहाँ कहाँ चले गए। अब किस चीज का अभिमान कर रहा है, तो सारी बातें आ गई उसमें, सबकी अनिश्चितता बतला दी, राजा महाराजाओं की, रूप की, सौंदर्य की, पत्नी पुत्रादिक की, बल की, धन की, सबके अनिश्चितता और क्षणभंगुरता बतला दी। तो अब तेरी दृष्टि उसकी तरफ आकर्षित होगी। अब उनका जो मन में बहुमान था वो बहुमान मिट गया, उनके प्रति चित्त में जो लगाव था वो दूर हो गया। तो करे ना, तो अब क्या होगा कि पर से दृष्टि हटी और निज में आई, स्वयं में आ गई। इसलिए करे न, दौलत राम जी ने कितने मार्मिक शब्दों में ये बात कह दी है। कहां मदों की चर्चा चल रही थी और मद की चर्चा चलते चलते कहां बीच में कह दिया कि सोने जाने। अब हम लोग ही दौलत राम जी की शेड़ाला पढ़ते समय इस बात को भूल जाएं, इन मार्मिक बिंदुओं को, लेकिन दौलत राम जी तो बराबर याद दिलाते हैं कि देखो मुझे ध्यान है, मैं यही बताना चाह रहा हूं, तुम यही ध्यान रखना, मद की चर्चा में कहीं इधर उधर लोच करके मत रह जाना, हमारे को कहेगा घमंड साहब। अरे तुम्हारे को घमंड तब दूर होगा जब निज जाने, निज जाने बिना आज मत दूर नहीं होते, ये बात इससे गर्भित होती है, निकलती है। पर से दृष्टि हटाने पर निज में दृष्टि आती है, एक तो यह कथन हुआ। और इसको यदि पॉजिटिव वे में कहा जाए तो कह सकते हैं हम, जो निज को जानते हैं उनके आठ मत दूर हो जाते हैं। कोई कहेगा कि आठ मत को दूर करने का उपाय बताओ आपको, कैसे दूर करूं मैं, अब क्या करूं ये बताओ मेरे को। धन के प्रति मत नहीं करूं तो धन के प्रति मत क्या कैसे नहीं करूं, अब मैं इतना सुंदर हूं तो रूप मत कैसे नहीं करूं, अब मेरे पास में वैभव है साहब, इसमें क्या है, वैभव है तो वैभव का मत होता है,
गरीबों को होगा क्या कोई? और है तो इस बात का है हमारे को अभिमान होना भी चाहिए, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। आप कहते हो इसका अभिमान मत करो, किसी दूसरे की कमाई के ऊपर या दूसरे के धन के ऊपर घमंड करता हूँ क्या? मैंने कमाया है, मैंने मेहनत की है, मैंने बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, फिर आप कहते हो अभिमान नहीं करें? कैसे होगा ये कि उसके ऊपर अभिमान नहीं हुए? हाँ कोई दूसरे के आधार पे हो रहा हो तो लगता है कि अपन क्यों करें, लेकिन तो मेरी संपत्ति है, मेरा वैभव है, मेरा परिवार है, मेरा धन बल है, शारीरिक सामर्थ्य है, तो ये मैंने मेंटेन किया है वैसा, इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत यदि स्वाभिमान रखता हूँ तो आपको क्या ऐतराज है इसमें? ये नहीं दूर होगा, आसान नहीं है इसको दूर होना, आपके कहने से दूर नहीं हो जाएगा। तो दौलत राम जी पता है क्या कहते हैं? दौलत राम जी ये कहते हैं कि तूने उसको तो अपने उससे कमाया है, ठीक है मान लिया, लेकिन तुझे पता नहीं है कि तेरे उस पुरुषार्थ के साथ साथ में तेरा पुण्य के उदय का तीव्र योग था, इसलिए वो सब मिला है। अब तो असली पुरुषार्थ कर और अपने अंतरंग वास्तविक वैभव को देख, एक बार तू यदि अपने अंतरंग वास्तविक वैभव को देख लेगा तो हम गारंटी देते हैं इस बात की कि तेरे जीवन में आज मद नहीं हो सकते। जिसने अंतरंग रूप सौंदर्य को देखा हो वो देह के रूप के ऊपर क्या मोहित होगा? जिसने अंतरंग के वैभव को देखा हो, जिसने अंदर की संपत्ति को देखा हो, जिसने ज्ञानादि निधियों को अंदर में देखा हो, उसे ये बाहर की जड़ रिद्धियां, ये जड़ निधियां ये कैसे आकर्षित करने में समर्थ हो सकती है? ये सिर्फ उन्हीं जीवों को आकर्षित करती है जो निज न जाने, जो निज जाने उनके आठ मत नहीं हो सकते। इसमें मार्मिक लाइन कह दी इन्होंने, छेड़ाला पढ़ने पढ़ाने वालों से आप कर लो चर्चा, आठ मधों की चर्चा के अंदर ये बात निकाल करके लाए थे दौलत राम जी ने तो लिखी है। लेकिन कितने लोगों का ध्यान आठ मधों की चर्चा करते हुए निज जाने इस और आकर्षित होता है? ये मेरे घर की पंक्ति नहीं है, दुनिया की कहीं की भी छेड़ाला उठा करके देख लो आप, पेज नंबर 60 पर पहली लाइन अंतिम चरण करे न सो निज जाने, ढाई लाइन के अंदर आठ मधों की चर्चा करने के पश्चात आठ मधों का स्वरूप बतला देने के उपरांत क्या कहते हैं? जो ऐसे आठ मद नहीं करता है वो अपने आप को जानता है, और जो अपने आप को जानता है उसके आठ मद हो ही नहीं सकते। आठ मद कब होते हैं कि अपने को तो जानता नहीं, और जो देखता है उससे अपने आप को बड़ा मानता है, अपनी खबर नहीं है और दूसरे से अपने आप को बड़ा मान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, कहां तक आ गए? अर्थ करते हुए अन्वयार्थ आगे बढ़ते हुए, वह अपने आत्मा को जानता है, यहां तक पढ़ा है अपन ने अन्वयार्थ में। आठ मद नहीं करता, वह अपने आत्मा को जानता है। यदि जीव उनका अभिमान करता है तो ऊपर कहे हुए मद आठ दोष रूप होकर सम्यक को माने सम्यक दर्शन को दूषित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आठ मदों को करता है तो फिर वो निश्चित रूप से उसका सम्यक मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए इन सर्व दोषों से रहित सम्यक को धारण करना चाहिए, ऐसी ये प्रेरणा दी है। भावार्थ पढ़ते हैं, पिता के गोत्र को कुल और माता के गोत्र को जाति कहते हैं, ठीक है? कुल और जाति की क्या परिभाषा है? पिता के गोत्र को कुल और माता के गोत्र को जाति कहते हैं, ठीक है? कल हमने कुल और जाति मत के संदर्भ में बात कही थी कि असली जाति को पहचान लेवे और असले कुल को पहचान लेवे तो कुल और जाति का मत नहीं हो सकता, मद नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को पता तो लगे कि वास्तव में मैं जिसके आधार पर, जिस कुल के आधार पर अभिमान कर रहा हूँ, ये कुल तो बहुत कुछ नहीं है, मैं तो अरहंतों के कुल का हूँ, भगवान महावीर स्वामी के कुल का हूँ मैं तो, वीर प्रभु की हम संतान, हमारा कुल कौन सा है पता ही नहीं है हमारे को, हम तो तीर्थंकरों के कुल के हैं, आदिनाथ के कुल के हैं, हम तो महावीर स्वामी के कुल परंपरा के हैं, जिन शासन की परंपरा के हैं हम, वो हमारा असली कुल है, उसकी तो खबर नहीं है, अपने पिताजी दादाजी के आधार पर अपने आप को बड़ा मानता है। इसी प्रकार जाति, तो असली जाति की खबर हो जाए कि हम तो पंचेंद्रीय जाति के हैं, पांच जातियां जो कही है, कल सुअर गधे की बात कही थी हमने,
जाति कौन सी है हमारी? जैन नहीं है जाति, हिंदू मुसलमान आदि जातियां नहीं है कपिल। कौन सी जाति है? पंचेंद्री जाति के हैं भाई, सैनी पंचेंद्री जाति के हैं। अब जो व्यक्ति इस पंचेंद्री सैनी पंचेंद्री जाति को पहचानता है वो इस बाह्य देह धारण रूप जाति से क्या अभिमान करेगा और उसमें क्या दम रहेगा? तो यहाँ का पिता के गोत्र को कुल और माता के गोत्र को जाति कहते हैं। पिता आदि पितृ पक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने से मैं राजकुमार हूं आदि अभिमान करना तो कुल मद है। ये राजाओं के जमाने की बात है, इसलिए उन्होंने राजा की चर्चा लिखी है, 200 साल पहले लिखी, दौलत राम जी ने छेड़ा था उस समय तो राजा होते थे। अब आज के समय में आप राजा नहीं तो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी समझ लो आप, वो भी वही किसी भी प्रकार का किसी भी उनके पद को लेकर के, उनकी योग्यता को लेकर के, उनके सामर्थ्य उनके प्रभुत्व को लेकर के अभिमान करना, न केवल पिताजी चाचा जी आदि सभी सभी परिवार जन। मामा आदि मात्र पक्ष में राजादि प्रतापी पुरुष होने पर अभिमान करना तो जाति मध्य ठीक है, उनके आधार पर अपने आप को बड़ा कहना। फिर तीसरा, शारीरिक सौंदर्य का मद करना तो रूप मद है। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य अधिक लंबे समय तक होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। कितना भी कॉस्मेटिक लगा लो कुछ भी नहीं होगा, कितना भी ऊपर से लिपापोती प्लास्टर करने की कोशिश करो आप, रंगाई पुताई दीवारों पर, जैसे घर की दीवारों पर करता है सुंदर दिखाने के लिए, ऐसे चेहरे पर करता है। ये कह रहे हैं भैया वो तो नकली चेहरा बाहर छोड़ो, पीछे तुम मंदिर में आओ, जगन जी बाबूजी की पंक्ति है ना। तो रूप मद रहता ही नहीं है, कदाचित किंचित मैं कहता हूँ बचपन में थोड़ा बहुत अच्छा लगता था लेकिन सुगला रहता था, बुढ़ापे में तो शरीर सुंदर रहा ही नहीं, युवा अवस्था के अंदर ऐसा समझता है कि मैं सुंदर हूँ कुछ काल के लिए, 10-5 साल के लिए बीच का एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जिसमें अपने आप को सुंदर समझता है, लेकिन उस काल में भी जब नींदों में होता है तो खराब लगता है, बिना नहाए हो तो अच्छा नहीं लगता है, समझ लो आप बहुत ज्यादा थका हुआ हो तो अच्छा नहीं लगता है, बीमारी रोग हो तो अच्छा नहीं लगता है, कहीं थकान घूम फिर के आया हो, सफर में आया हो तो सुंदर नहीं दिखता है। अब मुझे बताओ अब इसकी क्या कितनी देर की सुंदरता है जिसको देख करके मैंने कौन सी सुंदरता की बात कर रहे हैं हम कौन सी सुंदरता को देख करके अभिमान कर रहे हैं जो नाशवान है, जो क्षणिक कुछ नहीं है, दो दिन सेव नहीं बनाता है तो बुरा लगने लगता है। अब तो क्या क्या दम है इन सब चीजों में, कभी बाल बढ़ जाते हैं, कभी नाखून बढ़ जाते हैं, कहाँ क्या करता रहे, क्या क्या रहे, नव द्वार भये गिनकारी अब देह करे की तैयारी। हमने जरा अपने दिखता नहीं, हाँ अपनी चेहरा अपने को दिखता नहीं, बेटा तू जाए तो कर, मैं तुझे रोकता नहीं हूँ लेकिन रात की जगह छल गई। हाँ सब बदल गई सब पर ये सुनाया करते थे अपने मिलाप जी साहब बाड़िया जी, सुना आपने कभी? उनको भी सुना, हम तो बचपन में खूब सुनते थे गोरियों के मंदिर में बचपन में खूब, मतलब कितने साल तक उनके मरण भी हो गए, 15-17 साल पूरा भाग रहा हूँ, मतलब हम तो बहुत कब की बात कर रहा हूँ, 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने वो बहुत ऐसे सुनाते थे सब बातें कि आप जो है ना जगह समय बदल दो बस, अब सब आपको सब दिख जाएगी सारी वस्तु स्थिति क्या है, सब सुंदरता बदसूरती सब दिखने लग जाएगी। शराब पीता था, वैश्य सेवन करता था, छोटे शौक थे, तो पिताजी ने बच्चे को क्या कहा कि बेटा तू जो करता है मैं तेरे को बिल्कुल मना नहीं करूंगा, तू सब करता रहे, लेकिन जहाँ शाम को जाता है वहाँ सुबह जाना, जहाँ सुबह जाता है वहाँ शाम को जाना,
दूसरे को सब सब बातें देखने लग जाएगा, सब का असली रूप सामने आ जाएगा, ऐसा असली रूप ऐसा सामने आ जाता है। ये रूप का भी मदद नहीं करना, क्योंकि कभी फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, विकृतियाँ, क्योंकि अंदर क्या भरा है ये देखो ना आप। ये दौलत राम जी आगे कहना चाहते हैं आठवें छंद में, पांचवें डाल के आठवें छंद में, पल रुधिर राजमल थैली की कस बसा दिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। नव द्वार भये, नौ द्वार भेजे घिनकारी घृणा करने वाले, अस देह करे किम यारी। ऐसे देह के प्रति क्या यारी करता है, ऐसे देह के प्रति क्या ममत्व करता है, ऐसे रूप का क्या अभिमान करता है जो ढलने वाला है। प्रतापवान सूर्य की बात कही थी, वो ढल जाता है, सारे जगत को प्रकाशित प्रतापित करने वाला ऐसा सूर्य का तेज भी अधिक लंबे समय तक नहीं रहता है। हाँ, हमारे चेहरे की कांति तेज, अरे कितने दिन रहेगा ये चेहरे की कांति। अंदर स्वाभाविक कांति को देख, अंदर स्वाभाविक सुंदरता को देख। जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपनी स्वाभाविक सुंदरता को देखते हैं, देह के प्रति अपनेपन और ममत्व का त्याग करके अपने में ही लीन हो जाते हैं और फिर परमात्मा बन जाते हैं। ये असली स्वरूप है। बाहर का तेज क्या देखते हो आप, बाहर के तेज में क्या दम है, अंदर का तेज देखिए आप। अंतरंग में जिन्हें आत्म स्वरूप के दर्शन होते हैं, उनका जो तेज है, उनका जो प्रभाव है, उनका अंतरंग दैदीप्यमान होता है, अंतरंग चमक की बात है। देखिए फिर कहते हैं, अपनी विद्या का अभिमान करना तो ज्ञान मद अज्ञानियों को होता है, ज्ञान का मत किसको होता है, विद्या का अभिमान करना, शेर को सवा शेर मिल जाता है। कितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, आपको आपसे ज्यादा बुद्धिमान दूसरे व्यक्ति मिली जाएंगे, हो जाता है इस तरह का। राजा भोज का एक प्रसंग आता है, वो बहुत अभिमान था उन्हें, नई नई कविताएं सुनने का बहुत शौक था राजा भोज को। और लेकिन सभा में दो ऐसे व्यक्ति बैठते थे जो एक पार्टी और दो पार्टी थे, एक पार्टी एक बार सुनते ही जिनको याद हो जाता था, दो पार्टी ऐसे व्यक्ति जिनको दो बार सुनते ही याद हो जाता था। देखो एक बार और दो बार सुनते ही याद हो जाए, उसने ऐलान कर दिया पूरे नगर में, देश में, दुनिया में, कि हमें कविता सुननी है कवियों के माध्यम से, और नई और अद्भुत कविता जो स्वरचित हो और जिसे पहले किसी ने ना सुना हो, बिल्कुल नई बनाई हुई हो, ऐसी कविता हमारे पास में बना करके लाए। और यदि वास्तव में वो बिल्कुल नई अद्भुत और अच्छी कविता यदि हुई, अभूतपूर्व हुई, जिसे पहले कभी किसी ने ना सुना हो, तो हम 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उनको गिफ्ट में देंगे, इनाम में देंगे। सब लोग बहुत प्रसन्न, अच्छे अच्छे कवि सब बहुत अपने अपने किस्मत आजमाने के लिए किसी को ना सुनाए और ला करके राजा के सामने सुनाए। राजन अभी तैयार करके लाया हूँ, बिल्कुल नई है, पहली बार आपके कानों में पड़ी है। राजा ने कहा, क्यों साहब आपको आती है? हाँ साहब मैं तो सुना सकता हूँ। एक पार्टी सभा में बैठा हुआ, क्या तुरंत सुना दे, एक बार तुमने उसने आकर के सुनाई थी, उसको याद हो गई, उसने सुना दी। तो उसने आपको साहब मैं भी सुना सकता हूँ, वो दो पार्टी था, दो बार सुन ली, वो भी सुना दे। बेचारा छोटा सा मुंह लेकर के वापस चला गया कि क्या करे, क्या आप ना आप नहीं कहते हो, हमारी सभा में बैठे हुए, इनको पता है, इनको याद है। लोग बहुत परेशान थे, क्या परेशान होना ही था, बहुत कवि आते थे, बहुत परेशान थे, क्या करें साहब, ये तो रोजाना नई नई कविताएं भी सुनता है और देता कुछ नहीं है। बीरबल के पास गए कि जो कुछ भी हुआ, जैसा भी, एक सवा शेर मिल गया ऐसे शेर को। और क्या किया उसने कि उसने अपनी कविता में ऐसा बहुत लंबा चौड़ा उल्लेख किया
कि पहले ऐसा समय था, उस समय में मेरे पिताजी ने और आपके पिताजी को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इस तरह से भेंट दी थी, और इसलिए दी थी कि उस समय जरूरत थी और राज्य में ऐसा ऐसा था। पूरा घटनाक्रम पूरा का पूरा उसने कविता में सुना दिया। अब राजा क्या करता, बोलो क्या होता, आप समझ गए? मेरा क्यों साहब, आपको पता है, आपने सुनी है? हाँ साहब मुझे याद है, कन्फर्म हो गया। दूसरे ने पूछी, दूसरे ने भी कन्फर्मेशन दे दी कि महाराज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे पिताजी ने आपको उधार दी थी वापस, देख लो ये प्रमाण है आपके दोनों। सभा में बैठे हुए लोग हैं, इस सच्चाई का प्रमाण है ये। अब राजा क्या कर सकता था, क्या करता बतलाओ? 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कि नहीं नहीं तुम्हारी कविता बिल्कुल नई है, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें प्रदान की जाती है। कोई व्यक्ति कितना भी अभिमान क्यों न करे, कितना भी क्यों न ऐसा समझे कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो बुद्धि है, मेरे पास जो अकल है, मैं अपनी डेढ़ अकल के माध्यम से दुनिया को बेवकूफ बना लूंगा, लेकिन भाई साहब दुनिया में आपसे भी ज्यादा अकलवान कोई ना कोई अवश्य होगा, कोई ना कोई अवश्य मिलेगा। एक शियोक्षम ज्ञान की दशा ही ऐसी है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। कोई मति ज्ञानी विशेष है तो कोई श्रुत ज्ञानी विशेष है, तो कोई मति श्रुत ज्ञान के अंदर अंग पूर्वों की ज्ञाता है, तो कोई और विद्यानुवाद पूर्व के ज्ञाता है, तो कोई अनेक विद्याओं के धनी है, तो कोई अवधि ज्ञान के धारी भी मिल जाते हैं। किसी को जाति स्मरण ज्ञान होता है, किसी को पूर्व भाव का ज्ञान होता है, किसी के पास में रिद्धियां होती है, एक से बढ़कर एक है सब। क्षयोक्षम ज्ञान की दशा, इस ज्ञान के ऊपर अभिमान करने में कुछ सार नहीं है। ज्ञानियों को ज्ञान का अभिमान नहीं होता, अज्ञानी और अल्प ज्ञानियों को ज्ञान का अभिमान होता है। अरे जिनको पूर्ण ज्ञान है ऐसे केवल ज्ञानी कभी ज्ञान का मत नहीं करते। सबसे ज्यादा ज्ञान किसको है चलिए ये बताइए, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञानी से ज्यादा है किसी को ज्ञान? सर्वज्ञ से ज्यादा किसी का ज्ञान है? तो सर्वज्ञ को कभी ज्ञान का मत होता है? जिनके पास में पूर्ण ज्ञान है उन्हें ज्ञान का मत कभी नहीं होता, और जिनके पास ज्ञान की कमी है वे ज्ञान का अभिमान करते हैं। कल वो कहावत बोली थी ना, आधे जल गगरी छलकत जाए, आधे जल से भरी हुई जो गगरी है वही झलकती है, वही उछलता है। ये चौथा चना बाजे जना, ऐसी बातें हैं। चलिए तो ज्ञान मद की बात हुई यहाँ, अपनी विद्या का अभिमान करना तो ज्ञान मद है। अब यहाँ विद्या के अंतर्गत एक तो ज्ञान की बात आ गई, और दूसरी बात अपनी डिग्रियों की बात, वो भी विद्या के अंतर्गत शामिल है। मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, एक तो होता है ज्ञान और एक होती है डिग्री, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ तब आ जाएंगे। तो ज्ञान जिसके पास में है, असली ज्ञान जिसके पास में है, समझ लीजिए आप, उसको ज्ञान का मत नहीं। यथार्थ ज्ञान जिसके पास में उसे ज्ञान का मत होता नहीं है, और जिसके पास में ज्ञान की कमी होती है उसे ज्ञान का मत होता हुआ दिखाई देता है। विद्या के अंतर्गत भी वही बात ले ली, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इतना पढ़ लिया हूँ, एम ए पी एच डी न मालूम क्या क्या दुनिया भर की डिग्रियां हैं मेरे पास में, तो फिर डिग्रियां हैं तो क्या हुआ, अब उससे क्या होगा बतलाओ? दूसरे के लिए क्या खुद ही अभिमान करता रहे, दूसरे के चित्त में तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है न मालूम। बतलाओ दुनिया में कितने अच्छे अच्छे डिग्रीधारी हैं, एम बी ए हैं, सी ए हैं, डॉक्टर हैं, समझ लीजिए आप पी एच डी हैं, कितने लोग हैं जिनको हम जानते। अच्छा उनको देख करके अपने को क्या लगता है, कभी ऐसा सोचता है क्या कि हाँ ये तो क्या सोचता है? कुछ नहीं, ठीक है ठीक है, पढ़ लिया होगा, डिग्री होगी उसके पास में, अपने को क्या लेना देना उससे, उससे कितना क्या लाभ लपेटे बतलाओ। आपके आस पड़ोस के अंदर कई लोग हैं जो होंगे पढ़े लिखे ज्यादा अच्छे, तो आप उनके कितने गीत गाते हो कितनी बार? कुछ नहीं, बस ठीक है नॉर्मल दुआ सलाम हो जाती है और क्या है, जय जय कर लेते निकलते आते जाते हैं, और क्या लेना देना है उनके लिए, किसके लिए कौन क्या करता है? अब वो खुद ही उन डिग्रियों को लेकर के अभिमान करता रहे, मैं तो करता रहे, क्या होगा उससे, बकरे की तरह मैं करता है। दूसरे किससे क्या लेना देना है बताइए,
मैं आईने के सामने खड़ा होकर के मैं सुंदर दिखता हूँ तो मैं ही मन ही मन प्रसन्न हो रहा हूँ, दूसरे को मेरी सुंदरता से कोई देने भर भी मतलब नहीं है। नहीं साहब, लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अच्छा लगे तो अपने अच्छे की सोच तो अपने ही बारे में सोचता है, लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता है। हर व्यक्ति को अपना ही चेहरा अच्छा दिखे यही अच्छा लगता है, दूसरों के चेहरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी के क्या हो गया, किसी के क्या लेना देना है। देखिए आप, बल के आगे बढ़ते हैं अपन, नहीं ज्ञान के आगे। अपनी धन संपत्ति का अभिमान करना तो धन मद है, धन संपत्ति क्षणिक है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ती है, चंचल है। लक्ष्मी चंचल है, क्षणिक है, आज तक कभी किसी की नहीं हुई है। आज इस घर में तो कल उस घर में, आज इस तिजोरी में तो कल उस तिजोरी में, आज इस जेब में कल दूसरे की जेब में, ऐसा ही है ना। रहती नहीं है, एक जगह पर टिकती नहीं है, स्वरूप इसी प्रकार का है। और ज्यादा लंबे समय तक टिकाए रखने का प्रयास करो तो वो टिकेगी नहीं, चोरी चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तू छोड़ करके चला जाएगा। धन का, धन संपत्ति का अभिमान करना तो धन मद है। ये तो वैराग्य के प्रसंग इस संदर्भ में अपने को खूब याद करने चाहिए, जो न्यूज़पेपर में घटनाएं दिखती है अपने को, आज वो मर गए, इनका ये हो गया, उसके साथ में दुर्घटना हो गई, इसके साथ में ऐसा हो गया, ये सब बातें दिखती है। ये सब इस मद को दूर करने के लिए प्रबल हेतु है। देखिए, अपनी शारीरिक शक्ति का गर्व करना तो बल मद है। सिकंदर आदि की चर्चा की थी कल हमने, गावा पहलवान जैसों की, अपना बल मत करता है। ये तो ऐसा कहता है, मैंने अपनी लाइफ में साहब एक गोली दवाई की नहीं खाई आज तक, पता है आपको। इतना कई लोग आज भी, लोग हमारे को देखते हैं तो कहते हैं आप तो आज भी वही लगते हो, जवान ही दिखते हो, 20 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हो। राजी हो जाता है, खुश हो जाता है, मैं तो बिल्कुल आज भी वैसा ही हूँ, बिल्कुल पिछले 25 साल के अंदर बिल्कुल नहीं बदले, वो वैसे के वैसे। कह रहे भैया शक्ति का गर्व करता है और शाम तक रस लग जाते हैं, सर पकड़ लेता है, क्या लेना देना है बताओ। आज तक कुछ नहीं खाया था, इस बात की क्या गारंटी है कि आगे दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, सब बराबर हो जाता है। चलिए, अपने व्रत उपवास आदि तप का गर्व करना तो तप मद है। देखिए, लौकिक बातों के साथ साथ में इन्होंने जो व्यवहार धर्म रूप बातें कही जाती है उनको करते हुए भी अपने आप को अभिमान न करने की प्रेरणा दी है तप मद के माध्यम से। कोई व्यक्ति उपवास करता हो, कोई व्रतादिक का पालन करता हो, कोई ऐसा ही कहता हो पिछले 20 साल में मैंने रात को पानी नहीं पिया, समझते क्या हो तुम अपने आप को, ये तो काहे का अभिमान कर रहा है, नहीं पिया तो हमने मना किया था क्या तेरे को, मत पी, अच्छी बात है नहीं पिया तुमने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है नहीं पिया तो इसमें घमंड किस बात का करता है। और यदि तो ज्यादा घमंड करेगा तो ध्यान रखना, अभी तक तो तूने पिया नहीं है, आगे ऐसी जगह चले जाएगा जहां मिलेगा नहीं, घमंड मत कर। रात्रि में पानी नहीं पिया बहुत अच्छी बात है, पीना भी नहीं चाहिए, पीने योग्य भी नहीं है, ठीक है ना। कोई भी भोजन, अन्न और बिना अन्न, किसी भी तरह की कोई चीज, 4 प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग श्रावक के जीवन में होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पालन करते हुए ये उसका अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं करना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये हो गया व्रत उपवास आदि सब आगे। इसमें मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, मैंने इतने तीर्थ वंदनाएं की, मैंने इतने जाप किए, मैंने इतने आयोजन कराए, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया सीखा सिखाया, न मालूम क्या क्या व्रत आदि की, उपवास आदि की कैसी कैसी बातें करता रहे और उसके आधार पर अभिमान करे तो गर्व करना तो तप मद है। तथा अपने बड़प्पन और आज्ञा का गर्व करना, बड़प्पन और आज्ञा का गर्व करना मतलब मेरी इतनी चलती है, आज्ञा मतलब मैं आज तो इतनी चलती है, अभी आज की तारीख मेरी किसी को ऐसा कह दूं ना मैं तो तुरंत काम हो जाता है, अभी तो कम से कम इतना प्रभाव तो है अपना, खड़े खड़े काम हो जाते हैं। लोग प्रशंसा करते हैं वो यशस कीर्ति है, कहे अनुसार काम हो जाता है, ये ऐसा उदय है, उदय जननी ही है, मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभ उदय के आने से, अशुभ कर्म का उदय आता है तो मित्र भी हरि हो जाते हैं, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, साथ देने वाले भी विरोध करने लग जाते हैं, विभीषण जैसे भी दूर हो जाते हैं, भाई भाई से दूर हो जाता है,
पत्नी अलग हो जाती है। अरे कहो ऐसा भी हो कि आप सोच रहे हैं कि मेरा विवाह हुआ पुण्य का उदय है, कि मूर्ग ऐसा भी हो सकता है कि तेरे पाप कर्म के उदय का फल देने के लिए। हाँ तो क्या ऐसे प्रतिकूल संयोग नहीं हो सकते, होते ही है। घर में आए और घर में आकर के सबको बिल्कुल अच्छा लाइन पर ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो राजी होता रहे, तेरे राजी होने से क्या होगा। ऐसी परिस्थितियाँ होती है साहब, घर घर में ऐसी दिखाई देती है कि वो ऐसी आई कि वो बर्बाद करके चली गई है, कोर्ट कचहरी में ले जा करके खड़ा कर दिया और जेल भिजवा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया और मालूम क्या क्या हो गया। मैं नहीं होगा उस दिन, मैं नहीं हो सकता, अभी सुनाते हैं। पता नहीं मुझसे क्या नाराजगी है। अच्छा तो मैं वही तो मैं इसको कोई झूठी घटनाएं बतला रहा हूँ क्या। मैं भी तो सारी सच्ची घटनाएं ही बतला रहा हूँ। ऐसा होता है ना, पाप कर्म का उदय होता है तो न मालूम किस प्रकार के इल्जाम लगा दे रहे, न मालूम क्या करे। और वो पाप कर्म के, क्योंकि देखिए आपको यदि पाप कर्म का फल भोगना है तो पाप कर्म के फल को भोगने के लिए संयोग वैसे मिलेंगे ही ना। आपकी यदि पूर्व भाव में, ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व भाव में किसी के साथ में कोई दुश्मनी हो और इस भाव में आकर के पत्नी बन जाए, पति बन जाए, देह धारण करने के लिए पुत्र हो जाए। अरे पूर्व भाव के जाति जिनका जो जन्म जन्मांतरों से जो बैर चल रहा है, वे पिता पुत्र हो जाते हैं उसी भाव में आकर के, भाई भाई हो जाते हैं उसी भाव में आकर के। आपको लगता है कि भाई भाई झगड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि पिता पुत्र झगड़ रहे हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है, आपको वर्तमान दिखाई दे रहा है। हम कह रहे हैं ये पिछले 10 भाव से झगड़ते आ रहे हैं। ये 10-10 भावों की घटनाएं, ये कोई पौराणिक घटनाएं ही नहीं है। पुराणों के अंदर तो महापुरुषों की चर्चाएं आती है, इसलिए उन लोगों का उल्लेख मिल जाता है। ये 10-10, 20-20 और 50 जन्म जन्मांतरों के साथ ये जगत जनों के भी दिखाई देते हैं। हम सबके भी जीवन में ऐसे होते हैं। आपके जो पुत्र हैं, आपके जो भाई हैं, आपके जो पत्नी हैं, पिता हैं, नाना मामा चाचा हैं, हो सकता है इनका आपसे संबंध कई जन्म जन्मांतरों से चला रहा हो। तभी रोहित शुभ शुभ के अंदर काम आ रहे। कोई आपके लिए जीता है, कोई आपके लिए ही मतलब सब कुछ करने को तैयार रहता है, हाजिर रहता है, आपके लिए कितना भी कष्ट सहने को तैयार रहता है। तो आप क्या सोचते हैं आज की बातें, न मालूम कब से चला आ रहा है। और कोई आपके घर में उत्पन्न होकर के आपकी जान ले लेता है, राजा श्रेणी के पुत्र जैसा, तो आपको क्या लगता है कि अभी का है। नहीं नहीं, चला आ रहा है न मालूम कहाँ से। वो बैर बांध रखा था और उसका बदला लेने के लिए आपके घर में जाकर के जन्म ले लिया, घर में जन्म ले लिया। अब बेटा आप कहाँ बच के जाएगा, अब बस कर लो, जो ही करना चाहिए। इसलिए ये जो मद की जो बात यहाँ कही है, बड़प्पन, आज्ञा, ऐश्वर्य, प्रभुता मेरी चलती है कि तेरी तब तक ही चलती है जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करे हजार। हजारों अवगुण हो, हजारों दोष हो, लेकिन जब तक पुण्य का करार बीता नहीं है तब तक तो तेरे को सब माफ है। चल रहा है सब, पुण्य के उदय में सब चलता रहता है, और जैसे ही पुण्य का करार बीत गया अब बेटा अब नहीं चलेगी। आप समझ लो, आप आपका वो जो गोल्डन टाइम जो था ना, लाइफ का गोल्डन पीरियड है, वो सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं, अब नहीं चलेगी। इसलिए जबरदस्ती चलाने का प्रयास नहीं करें। कहाँ किस पर चलाऊं मैं, शरीर पर तो चलती नहीं है, परिवार पर चलाने की बात करता है, परिवार पर तो चलती नहीं है, पड़ोसियों पर चलाने की बात करता है। पीछे से अंदर तक आते जाओ आप, दुनिया पे चलाने की बात करता है, परिवार पर नहीं चलती, परिवार पे चलाने की बात करता है, शरीर पे नहीं चलती, शरीर पे चलाने की बात करता है, परिणाम तेरे कंट्रोल में नहीं रहते। क्या कहाँ बात कर रहा है, किस चीज का अभिमान कर रहा है। अपने परिणामों पर जहाँ चल सकती है वहां कोशिश तो कर, पुरुषार्थ तो तेरा उसमें लागू होगा। निज को जानने में पुरुषार्थ है, पर को जानने में पुरुषार्थ नहीं है, असली पुरुषार्थ की इसको खबर नहीं है। देखिए, अपने बड़प्पन और आज्ञा का गर्व करना तो प्रभुता मद है। कुल, जाति,
सब समापन कर रहे हैं इसका उपसंहार। कुल जाति रूप ज्ञान धन बल तप और प्रभुता ये आठ मद अर्थात दोष कहलाते हैं। कि सब आठ ही होते हैं मद, ये किसने कहा आठ ही होते हैं? तो आठ भागों में विभाजित किया है। अब इन आठ के उत्तर भेद देखोगे तो आपको असंख्यात लोक प्रमाण मिलेंगे। आठ के विस्तार में जाओगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। ध्यानत राय जी की वो पंक्ति इस संदर्भ में ख्याल आती है, मान करण को कौन ठिकाना। क्या ये जो लाइन है, इस लाइन में इन्होंने सारे प्रकार के मद को भर दिया है। मान करण को कौन ठिकाना, मतलब कोई ठिकाना नहीं है। बस अब इतनी थी उन्होंने कही है, अब आप समझ लो जितना था। मेरी मुझे समझ लो, मेरा कुल शेल्टर पजामा और न मालूम सोचता रहता है भाई चप्पल कितनी अच्छी दिख रही है। एक चप्पल पहन करके अपने आप को होशियार, बड़ा बहुत अच्छा काम हो गया। हाँ पूछा नहीं लोगों ने, जला दिए, आग लगा दी, बोलो नहीं उसको जला करके नहीं दिखाया उसने। एक्चुअल में हुआ ऐसा था, इतनी टेंशन में आ गई कि उसने अपने घर में आग लगा दी। अब जब घर में आग लगा ली उसने, तो उसके जो थे आस पड़ोसी आग बुझाने के लिए आए और पानी डालते हुए, तो उसने कहा कि क्या, अरे ये तुमने ये बाजूबंद कब बनाए, तो बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कि अरे तो पहले ही पूछ लेती, मैंने घर में लाए लगा लाए लगे। सबको दिखाने के किसी व्यक्ति, मतलब देखिए आप टोटरमल जी ने लिखा, इस जीव के मान कषाय का पोषण होता हुआ नहीं दिखता तो ये जीव आत्महत्या करके भी संतुष्ट होना सुखी होना चाहता। मान कषाय की वेदना बर्दाश्त नहीं होती, ये कषायों की वेदना इतनी तीव्र है ये इसको बर्दाश्त नहीं होती, तो ये जीव आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। लेकिन ये नहीं जानता कि आत्महत्या कर लेने से इसके पाप कर्म का उदय खत्म नहीं हो जाता, आगे जाकर के भोगना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं आत्महत्या करने से दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, ये धोखे में नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा। देखिए खत्म करते हैं इसको, आठ मद मानकरण को कौन ठिकाना। इस बात से अपने अपने एक एक बातों के बारे में सोचते रहना, जब कभी भी किसी भी बात को देखकर, किसी भी परिस्थिति को देखकर ऐसा लगे कि मैं बड़ा, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा, तो समझ लेना कि ये त्यागने योग्य है। जो जीव इन आठ का गर्व नहीं करता वही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। समझ लो आप, ये पात्रता की बात कर ली है इन्होंने। यहाँ कह रही है जो आठ प्रकार का मद नहीं करता वही वही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। माने आत्मा का ज्ञान करने वाले व्यक्ति के आठ मद नहीं होंगे। आठ मदों से बचने का प्रयास करेगा तो सम्यक प्राप्ति का पात्र होगा। यदि उनका गर्व करता है तो ये मद सम्यक दर्शन के आठ दोष बनकर उसे दूषित करते हैं। यदि इनका गर्व करेगा तो ये आठ दोष बनकर के उसे दूषित करेंगे। इस प्रकार की यहाँ चर्चा इन आठ मदों के संदर्भ में अपन ने की है। आगे षट अनायतन और मूर्ताओं के संदर्भ में भी बहुत मार्मिक बिंदु कहे हैं, कल अपन इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। दूषित करता है का मतलब समझ लीजिए आप, निर्मल सम्यक तो नहीं रहता ऐसा। सम्यक को दूषित करने का मतलब निर्मल सम्यक तो नहीं रहता और कदाचित सम्यक को छूट भी जावे ऐसा भी। मैं मुझ में रहने वाला
Thank you.